Hey there, welcome back to my channel Road to Library where we learn English with fun. For those who are new to the channel, please go and subscribe to it and press the bell icon so that you can get the notification whenever I come online. So as you all know that it is a vocabulary week going on and it is the day 3 of our vocabulary week and today's topic is days and months vocab, that is days and months vocabulary. Now I am not going to teach you the names of the days of the week or the months, no, it's not that. Now you all must be thinking that what am I going to teach you today if not the names of the days or months. So let me tell you, whatever we learn today is something very interesting and very different. It's something very unique I found for you all. So we are going to learn the days and the months importance. Okay, their particular importance. Har ek day ki aur har ek month ki apni ek importance hoti hai. Wo ek particular cheez ke liye famous ya popular hota hai. Theek hai, so we are going to see that, we are going to learn that, but how? We are going to learn them according to a poet's point of view or an author's point of view. आप लोगों ने बचपन में जब स्कूल में रहे होंगे तो बहुत सारी पोएम्स पढ़ी होंगी, स्टोरीज पढ़ी होंगी, ड्रामास देखे होंगे. सो वील ट्राई टू थिंक अकॉर्डिंग टू अ पोएट एंड एन ऑथर. वो लोग कैसा सोचते हैं, उनके लिए जो डेज हैं, जो मंथ्स हैं या फिर जो सीजन्स हैं, दूसरी चीजें हैं, उनके लिए वो क्या मायने रखती है, उनके लिए उन लोग चीजों की क्या इंपॉर्टेंस है. तो वी आर गोइंग टू ट्राई एंड सी एंड लर्न दैट व्हाट इज देयर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द मंथ्स एंड डेज एंड हाउ दे सी देम. ओके, and we are also going to see some very famous quotes and sayings about days and months. So are you all ready for the takeoff? Fasten your seat belts and stick your eyes at the window, I mean at your phone screens. Now the very first quote that we have with us is, or you can say a proverb, that all days are short to industry and long to idleness. What does that mean now? ठीक है, इसमें इंडस्ट्री का मतलब है अगर हम किसी चीज में ऑक्यूपाइड हैं, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, हम किसी चीज में बिजी हैं, देन वी विल फाइंड द डे शॉर्ट. तब हमारा दिन कहाँ निकल जाएगा हमें पता नहीं चलेगा. बट दे आर लॉन्ग टू आइडलनेस, ऑल द डेज आर लॉन्ग टू आइडलनेस वेन वी आर टोटली फ्री, वेन इट्स अ लेजर टाइम गोइंग ऑन, वेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन वी विल फाइंड दैट द टाइम इज पासिंग स्लोली. हमें लगेगा कि दिन बहुत बड़ा है, बिकॉज वी आर आइडल, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन वी विल फाइंड दैट द टाइम इज नॉट पासिंग. सो हेंस द कोट और द प्रोवर्ब, ऑल डेज आर शॉर्ट टू इंडस्ट्री, दैट मीन्स हमें टाइम कम लगेगा, हमारा टाइम जल्दी पास हो जाएगा वेन वी आर बिजी, वेन वी आर ऑक्यूपाइड और वेन वी आर कंज्यूम्ड इन सम वर्क. एंड इट विल बी लॉन्ग टू आइडलनेस, ऑल डेज विल बी लॉन्ग टू आइडलनेस, बिकॉज वेन वी आर सिटिंग आइडली, वेन वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन द टाइम वोंट पास एंड वी विल थिंक दैट द डे इज लॉन्गर देन यूजुअल. द कोट्स एंड प्रोवर्ब्स दैट वी आर गोइंग टू सी टूडे, दैट वी आर गोइंग टू लर्न टूडे, विल गिव यू अ टोटली न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ थिंकिंग अबाउट अ डे एंड अ मंथ. आई एम टेलिंग यू, इट विल गिव यू अ कम्प्लीटली न्यू पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यू पर्सपेक्टिव दैट हाउ वी कैन सी अ डे एंड अ मंथ लाइक दैट ऑल्सो. हमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम सीजन वाइज भी किसी मंथ को सोच सकते हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे. हमें पता होता है कौन सा मंथ किस सीजन के लिए होता है, बट देर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट वी कैन थिंक ऑफ अबाउट द डेज एंड मंथ्स. बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यूज हैं. इट विल हेल्प यू इमेजिन मोर, इट विल हेल्प यू टू बी मोर क्रिएटिव, यू विल स्टार्ट थिंकिंग एज अ पोएट और एज एन ऑथर. नाउ द नेक्स्ट वन दैट वी हैव विद अस इज, वन डे इज वर्थ टू टुमॉरोज. नाउ व्हाट डज दैट मीन? First of all, let me tell you, this was quoted by Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Okay, now let us see the meaning of this. One day is worth two tomorrows. This quote means that whatever you have, whatever treasure you have is today. Today is your treasure. आपका जो भी खजाना है, whatever is your wealth, that is today. आपका पैसा, आपका रुपया, आपका wealth, आपकी property, आपके assets, what it is today. Today is your asset. Today is your wealth. Whatever you have planned for tomorrow, if you are able to do it today, do it today. अगर जो आपने कल के लिए प्लान किया है, if you are able to do it today, आप उसे कर लीजिए, because nobody has seen tomorrow. दो दिन के बराबर है आज का दिन, आने वाले दो दिनों के बराबर है आज का दिन. That is today is more important because it is now, it is worth it. जो भी आपने देखा है वो आज देखा है, कल किसी ने नहीं देखा है. So you never know कि जो आपने कल के लिए प्लान कर रखा है वो आप कभी
अकम्पलिश कर ही नहीं पाओ. तो वट एवर यू कैन अकम्पलिश वेन यू कैन अकम्पलिश इज टूडे. जो भी आप अकम्पलिश कर सकते हो, जो भी आप कभी पूरा कर सकते हो, वो कब पूरा कर सकते हो? आज, अभी, नाउ. ओके, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई डोंट थिंक सो यू विल काउंट द डेज एज मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन. दीज डेज विल बिकम अपॉर्चुनिटीज फॉर यू. नेम ऑफ द डेज दैट इज मंडे, ट्यूजडे, दीज आर जस्ट नेम्स. But what days are actually to us? They are opportunities to us. Okay, there are the new beginnings to us. They are new beginnings, they are opportunities, they are new openings to our life. Fine. So don't see the days as just Monday, Tuesday, Wednesday. Just see them as opportunities. Ek din mein, do din mein, teen din mein, aapke paas kitni opportunities hain, kitne naye kaam hain. You can see that. Don't see them as the name of the days. Okay. Moving on to our next proverb, one of these days is none of these days. Now, what does that mean? Now, understand this properly. One of these days is none of these days. I'll explain you through an example. Suppose किसी ने आपसे किसी काम के लिए पूछा कि आप ये काम या कोई भी work कब करने वाले हो, and you say that one of these days I'll do, in the coming week I will do, in the coming month I will do, I'm thinking to do this that day. That means you are thinking to do it never. आप ये सोच रहे हो कि मैं इस काम को कभी नहीं करूंगा, या फिर आप सिर्फ एक्सक्यूजेस बना रहे हो टू डिले दैट वर्क. ओके, आप ये काम कभी करने ही नहीं वाले हो, यू आर थिंकिंग दैट. और आप सामने वाले को एक रूड आंसर नहीं देना चाहते हो, या उसे किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप उसे सिंपली ये बोल रहे हो कि आई विल डू दिस वन ऑफ दीज डेज, या आई विल डू दिस इन द कमिंग वीक और द कमिंग मंथ और वट एवर, क्योंकि यू आर नॉट रेडी टू डू दैट वर्क. आप उस काम को कभी नहीं करना चाहते हो. So it is one of these days is none of these days. सुनने वाले को भी समझ में आ जाता है कि the person is implying that he will never do that work or she will never do that work. So it is completely up to you. You have to decide one day or day one. Understand the difference. One day किसी दिन करूंगा या day one. आज ही मेरा day one है, मैं आज ही इस काम को करूंगा. But I will start it today only. So it's you who has to decide. Next one is personally my favorite. I have already used this in a video. Rome was not built in a day. What does that mean? It means that good things take time. किसी भी काम को करने में, किसी भी काम को accomplish करने में, complete करने में time लगता है. Especially when you are heading towards a good thing, when you are heading towards accomplishing a good goal, a nice thing. तो उस चीज में time लगेगा. Rome को बनने में एक दिन नहीं लगा था. It took years and now still it is developing. ठीक है, Rome was not built in a day. इसका मतलब है कि किसी भी अच्छी चीज को complete होने में या किसी भी अच्छे काम को accomplish होने में time लगता है. Good things take time. So you should not give up. You should never give up in between. कि अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है तो पूरा नहीं करना चाहिए. Because Rome was also not built in a day. ये अच्छी चीज है लेकिन ये एक दिन में नहीं बनी थी, एक रात में complete नहीं हो गई थी. So good things always take time. Think about that. Now the next one is very interesting. It's the last proverb on days. After that we will start with months. Carpe diem. It's a Latin saying. Now this is very interesting. Understand this. Carpe diem. It's a Latin saying. What does that mean? It means make the most of today. जो भी आज है उससे सबसे ज्यादा you need to grab, you need to learn, you need to understand, you need to grow. ठीक है, कल पे या फ्यूचर पे बहुत कम छोड़ो. डोंट स्टे डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर. जो भी करना है यू नीड टू डू. ओके, अल्टीमेटली क्या होता है, सारे जो प्रोवर्ब्स हैं डेज के उसका एक ही मीनिंग है देखा जाए तो एक तरीके से, दैट मेक द मोस्ट ऑफ टुडे. वट एवर यू हैव, वट एवर ट्रेजर यू हैव इज टुडे. आज का दिन ही आपका ट्रेजर है, आपका एसेट है. मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड नेवर बी डिपेंडेंट ऑन फ्यूचर और टुमोरो, बिकॉज एनीथिंग कैन हैपन एनी डे. So hence the proverb, carpe diem, Latin saying, it means to make the most of today, to grab every opportunity that comes to your door. Now we'll start with the month's vocab. It's very interesting. Let's start. First is January. Now understand this according to a poet's point of view. Okay, ye iska poet hai, Jean Hersey. Okay, so the first one is January, the first month of the year, January, month for dreaming. It is the month for dreaming. Now why do you think इसको month of dreaming बोला गया? Because it is the starting month of the year. हम लोग जो भी dream करते हैं, जो भी plans करते हैं, जो भी expectations रखते हैं आने वाले साल से, वो हम कब plan करते हैं, कब dream करेंगे? January में. ठीक है, because it is the first month of the
ईयर. तो जो भी प्लानिंग होगी कि हम लोग ये करेंगे इस साल, हम लोग यहाँ घूमने जाएंगे, वील गेट मैरिड और वट एवर, तो ये सारी प्लानिंग कब की जाती है? जनवरी में. दैट्स वाई द पोएट हैज सेड इट इज द मंथ फॉर ड्रीमिंग, और इट इज द मंथ व्हेन यू कैन ड्रीम, व्हेन यू कैन प्लान योर होल ईयर. नाउ द नेक्स्ट वन इज फेब्रुवरी. फेब्रुवरी इट इज द बॉर्डर बिटवीन विंटर एंड स्प्रिंग. ये एक ऐसा मंथ है जहां पर विंटर्स एंड होने वाले होते हैं और स्प्रिंग का वेलकम स्टार्ट हो जाता है. मार्च के मंथ में स्प्रिंग आता है, तो फेब्रुवरी इज द बॉर्डर बिटवीन विंटर एंड स्प्रिंग. एंड हो रही है क्या? विंटर्स. स्टार्ट हो रहे हैं क्या? स्प्रिंग. नेक्स्ट वन कमिंग टू मार्च विच इज द प्रेजेंट मंथ, मंथ ऑफ एक्सपेक्टेशंस. Now, why do you think it is called as the month of our expectations or of expectations? Now, this is something very personal. I cannot explain this because आपको ये चीजें सोचनी है कि क्यों इस मंथ को बोला गया होगा, या फिर as इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी ऑथर का कि ये मंथ ऑफ एक्सपेक्टेशंस है. फॉर मी पर्सनली दिस कैन बी द मंथ ऑफ एक्सपेक्टेशंस बिकॉज एक्चुअली द न्यू ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम मार्च ओनली. जो हम लोगों का न्यू ईयर है, जो इंडियंस का न्यू ईयर है, जो हमारी कंट्री का न्यू ईयर है, दिस इज द टाइम एक्चुअली व्हेन वी स्टार्ट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम अस कि नाउ वी नीड टू गिव सम फ्रूट्स, नाउ माय लाइफ हैज टू बी द फ्रूटफुल वन, आई हैव टू यू नो पे अटेंशन ऑन माय कोर एरियाज एंड आई हैव टू इम्प्रूव द वीकर सेक्शंस ऑफ माइंड, व्हाटएवर वेयर एवर आई एम लैकिंग आई नीड टू इम्प्रूव दैट. हियर द वर्ड एक्सपेक्टेशंस इज नॉट यूज्ड फॉर अदर पीपल, इट इज नॉट यूज्ड फॉर शोइंग कि हम लोगों को इस इंसान से या किसी भी पर्सन से कोई एक्सपेक्टेशंस है, या हमारे आने वाले फ्यूचर से या फिर आने वाले डे से कोई एक्सपेक्टेशंस है. दीज आर द एक्सपेक्टेशंस दैट यू डू फ्रॉम योर ओन सेल्फ. आपको ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए खुद से कि हम लोग अपने आप को डिसअपॉइंट ना करें. डोंट केयर अबाउट अदर पीपल. द फर्स्ट थिंग यू शुड थिंक इज कि हम लोग खुद को कैसे डिसअपॉइंट ना करें. We should always expect something good from us. कि हम लोग किसी और से expectation ना रखें, खुद से expectation रखें कि हम at least खुद को तो disappoint ना करें, ऐसा कोई deed ना करें, ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम खुद को खुद के लिए disappointment हो कि ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी. That you should always expect from yourself and never from others. Now heading towards April, the coming month, the April winds are magical. This particular line is extracted from one of the Ralph Waldo's poem. Okay, all the lines which I am telling you today are extracted from some poets or you know some author's stories or poems. So we are going to study these. Coming back to the point, the winds are magical. The April winds are magical. Now, why do you think they have called these winds? He has called these winds April winds magical. When you see that your goal is accomplishing, you're accomplishing your goal, आपका जो motive था, आपका जो goal था, वो धीरे धीरे complete हो रहा है, you are pacing towards that thing, then everything around you, everything that surrounds you, you think they are magical. Now they have called these winds magical क्योंकि बहुत ज्यादा power होती है air में और wind में. Wind has the power to change your mood. Air, wind and the atmosphere has the power to change a person's mood. बहुत ज्यादा ठंडी हवा होती है, ज्यादा गर्म हवा होती है, माइल्ड हवा होती है, तेज होती है, धीरे होती है. So all these things are a biggest part, play a biggest role in changing your mood and your nature. You know, understand this properly that some of the writers find nature's lab as the best place to write. बहुत सारे राइटर्स गार्डन्स में, पार्क्स में, पार्क बेंचेस पे, नियर द लेक्स, यू नो नियर द वॉटरफॉल्स, उनको वहां पे जाके बैठ के लिखना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज इट्स पीसफुल. सो सेम वे द विंड्स आर मैजिकल इन अप्रैल एंड नॉट ओनली इन अप्रैल, वेन एवर यू आर फीलिंग गुड, पीसफुल, यू नो काम, हम्बल, उस टाइम पे everything around you, winds or any object even, you know nature, related to nature or objects around you, they can be magical to you. They can feel, they can make you feel so good. Coming to the fifth month, that is May, sweet May hath to love us. Now this was given by Heinrich Heine. Okay, Heinrich Heine. Hath here means has. Hath means has. That is sweet May has to love us. Now this was taken from Heinrich Heine's one of the poems. So what does this quote mean? Here you can say that May is substituted with nature. Nature has to love us a lot. It has to bloom flowers. It has to give us nature's beauty. It has to give us all the love that we have to take from our mother nature. We all are nature's kids. So nature has to love us as mother. Hence the proverb or hence the quote,
Sweet May hath to love us. The nature or the month of May that is full of flowers and blooming and inspiration and everything that we need in our life, nature and the month May has to love us. Coming to the sixth month, that is June. Now understand this quote. It says, a cold in the head in June is an immoral thing. So what do you mean by immoral? Immoral means something which is bad, something which is wicked. Okay, that is immoral. A cold in the head. First of all, June ke month mein bahut zyada garmi hoti hai. Barish ka time aane wala hota hai, to halki halki moisture bhi hota hai bahut zyada. Theek hai? So the cold in the head. तो कोल्ड कैसे हो सकता है जून के मंथ में? फर्स्ट थिंग इज एन इमोरल थिंग. और अगर हो गया है आपके सिर में, बुखार हो गया है या आपको ठंड लग रही है इन द हॉट सम इन द हॉट मंथ दैट इज इन द जून दैट इज इन जून देन इट इज एन इमोरल थिंग. नाउ डोंट गो ऑन द लिटरल वर्ड्स ऑफ इट. इसके वर्ड्स की मीनिंग पे मत जाइए. अंडरस्टैंड व्हाट इट वॉन्ट्स टू से. ओके, इट इम्प्लाइज दैट इट इज समथिंग इम्पॉसिबल. और यू कैन से नॉट इम्पॉसिबल, इट इज इट हैपन्स इन वेरी रेयर केसेस. बहुत कम ऐसा होता है कि किसी किसी को गर्मियों के अंदर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है या जुकाम हो जाता है. इट वॉन्ट्स टू से दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बैड थिंग्स टू हैपन फॉर अदर्स. अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि किसी के साथ इस तरह की चीज या उस तरह की चीज बुरी हो जाए, बिकॉज यू आर टू इविल टू दैट पर्सन, बिकॉज यू आर एनवी टू समवन, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट समथिंग बैड फॉर दैट पर्सन. ठीक है, यू कैन नॉट डू दैट. Because that thing will be too immoral. The way you are having the cold in the head in June month, same way thinking or expecting from someone that that person is bad, उसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, so that is something too immoral and too bad. One more thing I would like to tell you is these quotes, whatever quotes I have told you today, इनका जो meaning होता है या इनके जो explanations है वो एक नहीं है. किसी भी quote का, किसी भी poet के line का, किसी भी author के, किसी भी drama के line का या story के line का एक से ज्यादा मीनिंग हो सकता है. बहुत सारी ऐसी लाइंस होती हैं जिनके बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं या एक से ज्यादा मीनिंग्स हो सकते हैं. सो अगर मैं किसी चीज का मीनिंग बता रही हूँ और आपने किसी उस चीज उस लाइन का कहीं और कुछ और मीनिंग सुना है तो वो गलत नहीं है. ये मीनिंग्स भी गलत नहीं है और जो आप कहीं से सुन रहे हो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि प्रोवर्ब्स के या फिर ऐसी लाइन्स के, कोर्ट्स के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, क्योंकि पोएट ने उस टाइम पे किस पर्सपेक्टिव से, किस पॉइंट ऑफ व्यू से उस लाइन को लिखा है या क्या सोच के, किस थिंकिंग से उन्होंने उस लाइन को लिखा है वो हम जज नहीं कर सकते. और अगर कर भी लेते हैं तो उन्होंने किस और पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा होगा तो उसका मीनिंग और होगा. तो जो पोएट्स होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, उनकी लाइन्स को समझना, उनके कोट्स को समझना इतना इजी नहीं होता. हर इंसान के लिए उसका मीनिंग अलग होता है. सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द पर्सपेक्टिव आई एम सर्विंग टू यू ऑल. ठीक है, ये जरूरी नहीं है इसका सिर्फ यही मीनिंग हो, बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं, बट दिस इज वन ऑफ द मीनिंग्स. नाउ द नेक्स्ट मंथ इज जुलाई, दैट इज द सेवेंथ मंथ. जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शावर्स. नाउ एवरीबॉडी नोज कि जुलाई में क्या होता है, रेन, बारिश होती है. ठीक है, सो दैट इज जुलाई ब्रिंग्स कूलिंग शावर्स. कूलिंग शावर्स, बारिश हो रही है. बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद होती है रेन, बहुत सारों को पसंद भी होती है. सो इट्स अप टू यू हाउ यू वेलकम रेन और हाउ यू डोंट वेलकम इट एट ऑल. अप्रैल, मई और जून की बहुत ज्यादा गर्मी के बाद जब बारिश होती है, सो इट फील्स सो गुड, सो सो गुड टू योर सोल. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑगस्ट. August rushes by like desert rainfall. Now, what do you mean by desert rainfall? Desert rainfall का मतलब है कि बारिश बहुत कम होती है deserts में. सबको पता है कि वहाँ पे बहुत सूखा होता है, रेगिस्तान होता है, तो बारिश जो होती है वो बहुत कम होती है. वहाँ पे पीने का पानी अवेलेबल नहीं होता, वहाँ पे ट्रीज नहीं होते, कैक्टसेस हो जाते हैं क्योंकि उनको पानी नहीं चाहिए होता है टू ग्रो. सो ऑगस्ट रशेज बाय, रशेज मतलब बहुत जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी पास हो जाता है. नाउ दिस इज द पोएट्स पॉइंट ऑफ व्यू जिसने ये लाइन लिखी है. सो दिस कैन नॉट बी एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू. इफ ही थॉट लाइक दिस, देन दिस कैन बी द कोट. ऑगस्ट रशेज बाय लाइक डेजर्ट रेनफॉल. जैसे डेजर्ट की बारिश होती है, कब आई कब चली गई, उसका कोई यूज नहीं हुआ. द सेम वे इज ऑगस्ट, इट जस्ट कम्स एंड गोज विदाउट नोटिस. नेक्स्ट वन, सेप्टेम्बर. मेक इट अ सेप्टेम्बर टू रिमेम्बर. Now, this doesn't have a particular meaning. ये एक personalized quote है. इसका मतलब है कि September को या किसी भी month को, not only September, किसी भी month को make it a September or make it a month to remember. This means that make it a September to remember. Now, this is not particularly for September. यहाँ पे किसी भी month को हम ले सकते हैं. कोई भी month को आपको एक ऐसा month बना देना चाहिए जिसको आप हमेशा याद रख सको.
फॉर एग्जाम्पल आप बहुत टाइम से किसी चीज के लिए वेट कर रहे हो, यू आर लॉन्गिंग फॉर समथिंग, फॉर सम ट्रिप और फॉर एनीथिंग यू कैन यू विश फॉर अर्लियर, और वो पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो हो सकता है वो उस कमिंग मंथ में पूरी हो जाए. सो प्लान फॉर दैट कि मैं ये कर सकता हूँ इस मंथ में, अभी जो प्रेजेंट मंथ में इसमें, या फिर मैं सेप्टेम्बर में या अक्टूबर में या दिसंबर में एनी मंथ में मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा, उसके लिए मुझे आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा. सो मेक इट अ सेप्टेम्बर टू रिमेम्बर इज अ पर्सनलाइज्ड कोड, ये एक मोटिवेशनल कोड है कि किसी भी मंथ को, पर्टिकुलरली नॉट सेप्टेम्बर, किसी भी मंथ को यू शुड मेक इट टू रिमेम्बर और टू चेरिश होल योर लाइफ. कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ दैट इज 10th मंथ अक्टूबर. अक्टूबर इज द सिम्फनी ऑफ परफॉर्मेंस एंड चेंज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिम्फनी? यू कैन से सिम्फनी इज समथिंग रिलेटेड टू म्यूजिक और ऑर्केस्ट्रा. हियर इट मीन्स हार्मनी, हार्मनी बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों का तालमेल या फिर उनमें कोऑर्डिनेशन. सो सिम्फनी, अक्टूबर इज द सिम्फनी ऑफ परफॉर्मेंस एंड चेंज. इट हैज बीन सेड दैट अक्टूबर इज द सिम्फनी ऑफ परफॉर्मेंस एंड चेंज. जो भी आपने अभी तक परफॉर्मेंस दी है, परफॉर्मेंस हियर मीन्स आपने अभी तक डीड्स की है, काम किया है, और जो चेंज आप उसमें चाहते हो, व्हेन यू जस्ट सिट एंड एनालाइज कि आपने कौन सा काम गलत किया है, उसमें क्या क्या चेंजेस चाहिए थे, इसको मैं कैसे बेटर कर सकता था. सो दैट इज द सिम्फनी बिटवीन परफॉर्मेंस एंड चेंज. परफॉर्मेंस, जो भी आपने काम किया, चेंज, क्या उसमें कोई चेंज होना चाहिए, क्या मैं इसको और बेटर कर सकता था, दैट इज द सिम्फनी बिटवीन परफॉर्मेंस एंड चेंज. हु शोज दैट? अक्टूबर. नेक्स्ट सेकेंड लास्ट मंथ नवंबर, 11th मंथ. इट कैरीज द होल मेमोरीज ऑफ समर, क्योंकि अब समर्स नहीं रहेंगे, अक्टूबर के बाद समर्स खत्म हो जाते हैं, देन फ्रॉम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक क्या रहेगा? विंटर्स. तो जो मंथ है नवंबर का, वो क्या कैरी करता है अपने साथ? ऑल द मेमोरीज ऑफ समर. समर की जितनी भी मेमोरीज होती है वो हम कब रिवाइव कर सकते हैं या कब सोच सकते हैं उनके बारे में? इन द मंथ ऑफ नवंबर, क्योंकि अब समर्स नहीं रहेंगे. नाउ फॉर द कमिंग 4 months देयर विल बी विंटर्स. सो जितनी भी स्वीट्स, सार, अच्छी बुरी मेमोरीज रहती हैं, उन सबको हम बैठ के सोचते हैं या फिर हम उनके बारे में एनालिसिस करते हैं कब? नवंबर में. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज दिसंबर. शिवरिंग, बिकॉज इट्स अ कोल्ड एंड चिलिंग मंथ. I heard a bird sing in the dark of December, which is a magical thing because it's very hard to see birds singing in the dark of December. रात के टाइम पे इतनी चिलिंग वेदर में, इतने चिल्ड वेदर में, इतनी ठंड में, इतनी ठंडी हवाओं के बीच में, इन द फ्रीजिंग वेदर, इट्स वेरी रेयर टू सी और इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू सी बर्ड सिंगिंग एट द नाइट. तो ये मैजिकल चीज है. दिस इज फ्रॉम अ पोएम, दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ पोएम. So, I heard a bird sing in the dark of December. Why we have written this thing? Because it's a magical thing. It's very rare to see or to hear such thing. So, this means that December is full of surprises. You never know, जो आपने कभी expect नहीं किया हो, वो चीज़ हो जाए December में. So, things are very surprising. Everything is so surprising in the month of December. This was it from my side. I hope you loved the video. Don't forget to like, share, subscribe. So we have landed successfully. So here I end up with today's video. We'll be meeting in the next video with some fun and refreshing topic. Till then, take care. Bye-bye.